कहाँ पे उसका जेपीसी पेपर लीक हुआ है? आज जेपीसी पेपर लीक होने के बाद जब मीडिया घुसती है प्रशासन उसको रोकता है यार। कौन सा देश सुरक्षा में, कौन सा मेरा 18 साल के मेहनत, 5 साल के मेहनत बाल झड़ने लगता है पढ़ते पढ़ते, उसका नौकरी का डायरेक्ट 1 सेकंड में बर्बाद किया जाता है, उसका जिम्मेवारी कौन है? तो जो आज जो बोल रहे हैं ना, अरे उसको लालू जादू डायरेक्ट क्या बोलते हैं, फैलाओ झारखंड, फैलाओ अलग झारखंड, कहिए शकरकंद, वही हाल स्थिति करने में तुला हुआ है। जागो झारखंड, जागो। यहाँ के जेबी केसेस का जानकारी इसलिए नहीं है कि जितने भी मीडिया प्रभारी है, आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में कोई भी मीडिया प्रभारी उतरे है सोशल मीडिया के सिवा? अगर क्या घटना हो रही है, अगर यूट्यूबर नहीं होता है क्या सोचता है किसको मीडिया प्रभारी की ताकत है? आप बता रहे सोशल मीडिया को, आज हमारी खुलेआम बोलते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता, घंटा डर नहीं लगता सच बोलने में। सीधा सीधी बात यह है कि आज हमारे चाहे हंटरगंज हो चाहे सिमरिया हो, यहाँ पे जेपीसी का एकदम एग्जामिनेशन होती है, लेकिन यहीं पे एग्जामिनेशन दोनों सत्ताओं के बीच में होती है, लेकिन जब इसका मीडिया उसको निराकरण करने जाती है तो वही मीडिया को प्रशासन रोकने के काम करता है, कि इसीलिए स्वतंत्र मेरा चैनल बना था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि टाइगर जयराम महतो के बारे में इस भाई साहब ने क्या कहा है, वो आप वीडियो पूरा कंटिन्यू बने रहे। देखिए जब से पहले मेरा मानना है कि मेरा जब सीएनटी का जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कानून जो होती है 1908 से होती है, और उसका 1932 के सेकंड स्टैंडर्ड सेटल सर्वे सेटलमेंट होती है, लेकिन फिर भी आज तक 24 साल झारखंड अलग हुआ है, लेकिन आज तक इसके झारखंड के मुद्दा को कोई नहीं उठाया था। इसी को लेकर आज हमारे बीच टाइगर जयराम दा आए हैं, और जन्म से जो आज बारीकी से जिसको तार्किक लॉजिकली आंसर के रूप में रहा जाए, आज हमारे झारखंड को बयां करने के लिए आज हमारे टाइगर जयराम दा उस बात को मुद्दा को लेकर आगे आए हैं, उसका समर्थन में आज नामांकन करवाने चतरा दीपक दा को आए। तो हम लोग का मतलब जनता के गाँव तरफ क्या रवैया है, या जनता क्या चाहती है, और पैसा भी मिल सकता है अगला पार्टी से, तो कैसे आप देखते हैं? देखिए दादा, सबसे पहला स्थान है कि जनता आज बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव इसलिए चाह रही है कि जिस प्रकार से हमारा कहने का मतलब है कि यदि दो भाई में अगर बंटवारे हो जाती है, उनमें से अगर छोटा भाई को गहरा मिला है, बड़ा घर को अगर तरखा मिला है, तो उसमें गहरा में उसको आंख दिखाने का क्या जरूरत है? आज तक चतरा में एक मकसद, एक चुनाव बन के आई है, एक हमेशा एक मुद्दा बन के आई है कि आज तक कौन सा ऐसा चतरा संसद क्षेत्रीय क्षेत्र है जो आज तक मतलब स्थानीय संसद नहीं बने। आज हम लोग की गरिमा से और दुखद परिणाम से जो भी हम लोग सोचे, आज वो हमारा रिजल्ट आज चतरा ही है जो हमारा ऐसा आंसर देता है कि जो आज तक स्थानीय सांसद आज तक जो नहीं बना है वो है चतरा। सोचिए आज हमारे पढ़े लिखे युवा के लिए हमको ये कहना चाहते हैं कि लाठी का जवाब मायने होता है, एक बार लाठी को मारती है हमारे शरीर में तो एक दिन की दर्द होती है, लेकिन जो हमारी शिक्षा से मारती है हमारे जन्म से लेकर हमको दिल में नहीं बल्कि सीने में वार होती है, जो आज तक चतरा में गुलामी के जंजीर जी रहा है। मैं तमाम चतरावासियों से कहता हूँ कि एक बार बंधन की नजारे को खोलिए, एक बार अपने स्वतंत्र की जलियों को आइए, और मैं कहता हूँ कि खास करके युवा आप आगे आइए, और एक जो रणनीति चतरा का जो हमेशा हमेशा जो दबने का कोशिश किया है वो स्थानीय चतरा को देने का कोशिश कीजिए। यही आप लोग से आग्रह नहीं बल्कि निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज आप चतरा हम लोग के हाथ के पीढ़ी में है, आजकल की पीढ़ी में है, हम लोग अभी से चाहेंगे तो चतरा का नया तस्वीर और नया तकदीर दे सकते हैं। बदला हो सकता है ना, अभी बदला हो सकता है, बदला हम लोग करेंगे। क्यों बदला करेंगे? कि आज के जितने भी युवा रहते थे, जितने भी लड़का रहते थे, सिर्फ पढ़ने के लिए निछावर करते थे, लेकिन आज के युवा, आज हम मात्र 25 साल के युवा हैं, अगर इस युवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं युवा राजनीतिक पर इंटरेस्ट रखना चालू कर दिया है। आज कहीं ना कहीं युवा, आज पढ़े लिखे युवा राजनीतिक में आ गए हैं, इसका मतलब चतरा का बदलाव निश्चित होगा। ठीक है, और एक बोलना चाहते वैकेंसी एक भी क्लियर नहीं हो रहा, इसका मुख्य कैसे मतलब बिल्कुल, ये भी एक चतरा से लेकर झारखंड, एक चतरा की समस्या नहीं है बल्कि पूरा झारखंड की समस्या है। आज झारखंड की समस्या आज ये है कि आज हमारे यहाँ सामने, आज हमारी खुलेआम बोलते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता, घंटा डर नहीं लगता सच बोलने में। सीधा सीधी बात यह है कि आज हमारे चाहे हंटरगंज हो चाहे सिमरिया हो, यहाँ पे जेपीसी का एकदम एग्जामिनेशन होती है, लेकिन यहीं पे एग्जामिनेशन दोनों सत्ताओं के बीच में होती है, लेकिन जब इसका मीडिया उसको निराकरण करने जाती है तो वही मीडिया को प्रशासन रोकने के काम करता है, कि इसीलिए स्वतंत्र मेरा चतरा बना था, इसीलिए झारखंड मेरा स्वतंत्र, इसीलिए लड़के छीन के लिया गया था। इसलिए आप लोग से कहना चाहते हैं कि आज अगर स्टूडेंट जागे नहीं, इतना जान लीजिए कि स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते रह जाओगे लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आज से चतरा में नया अलग जगाना होगा, नया तकदीर लिखना होगा, तभी चतरा का विकास हो सकता है। एक प्रकार की भाषा नहीं समझे बल्कि इसके लॉजिकली और तार्किक समझे।
हम यही कहना चाहते हैं 500 रुपया चलते 5 साल बर्बाद नहीं करना, इसीलिए एक बार और मुद्दा बना देते हैं, बताना चाहते हैं कि आज बार बार सवाल होता है, एकदम लॉजिकली आंसर देंगे, तार्किक देंगे, ताकि लोगों को लगे कि बोका लोला भाषा में आप लोग के बीच पेश करेंगे। आज 1932 हमारे लिए क्यों जरूरत है? आज हमारे लिए 1932 की जरूरत क्यों है? आज हमारे सदन में आज जो बात आज आंदोलन के बीच रखे, हमेशा क्रांतिकारी के बीच रखे, लेकिन कोई सत्ता की सरकार आज तक उसका आवाज कभी सदन के भीतर रखने का कोशिश किया है? अभी आज तक कोई सेंटर का करने का कोशिश किया है? लेकिन आज जितना भी युवा है, इतना खुल के समझ लीजिए कि आज का काम अब सदन के बाहर नहीं, अब सदन के भीतर होगा। ये चीज जान के रखिए, जिसका दीपक कुमार गुप्ता हो और मेरा माननीय टागर जयराम माता आएंगे और इसका दहाड़ सेंट्रल दिल्ली में सुनने को मिलेगा और सदन के बाहर नहीं बल्कि सदन के भीतर सुनने को मिलेगा। इसमें एक तार्किक बात बताना चाहता हूँ कि 1932 हमारे लिए क्यों जरूरत था। आज 1932 का जब जिक्रेशन होता था तो इतना क्या होता था कि 1932 जिक्रेशन होने के बाद क्या होता था, लोगों का एक भी बात आता था इतना नेता लोग कि नहीं से अंग्रेज के जमाना का है, 1932 अंग्रेज के जमाना का है। लेकिन यहाँ पे इतना कहाँ से इसका आंसर दे पाएगा? सब बोका लोला ठेंगा साहब जाके सदन के भीतर घुसा है, उसका जवाब कौन दे पाएगा? आज हम लोग आंसर देना चाहते हैं कि 1932 सर्वे का सेकंड सेटलमेंट झारखंड का है, इस चीज को जानना चाहिए। आज सीएनटी आज झारखंड में हमेशा आज गुलगुलान के रूप में जाहिर हुए हैं, आज अपना अधिकार के लिए आ गए हैं, लेकिन आज बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में हमारे एक योद्धा हुआ करते थे जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने अपने जन्म स्थित अधिकार के लिए आज अंग्रेजों के बीच लड़ाई किए थे, लेकिन अंग्रेज यहाँ गुलाम करने आए थे, उसका लड़ाई सुन के उसने सीएनटी देने का काम किए थे। सोचो जो झारखंड के उलगन जो देश को लूटने आए थे क्रांतिकारी के डर से, उसने अधिकार सीएनटी को दिया, आज भारत स्वतंत्र भारत में सीएनटी का डायरेक्ट हनन हो रहा है, इसका जिम्मेवारी कौन है? आज बैठे सरकार के सत्ता में सिर्फ मलाई खाने पर लगे, ये कौन सा सिस्टम है यार? मजाक बना के रखे झारखंड, आज बताना देना चाहते आज के छत्र के यार पूरे झारखंड वासी नहीं जागे? तो जो आज जो बोल रहे ना थिया, अरे उसके लालू जादू डायरेक्ट क्या बोलते हैं, भेलो झारखंड भेलो अलग झारखंड कहिए शकरकंद, वही हाल स्थिति करने में तुला हुआ है। जागो झारखंड जागो, जयराम माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, दीपक गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बता देना चाहता हूँ झारखंड की रणनीति की योजना के सेंटर में आप लोग की जानकारी होना चाहिए कि हर जगह 28 राज्य है। क्या इस मोदी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देते हैं? हम उनको माननीय प्रधानमंत्री कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का भविष्य है, उनको हम आग्रह करेंगे, आग्रह इस चीज को करेंगे कि जब हमारे देश में 27 राज्य के कानून बन सकती है, हमारे राज्य झारखंड क्यों पीछे रहेगी? उसमें भी कानून बनाने के लिए सोचिए। आपको बता दें आर्टिकल नंबर 355/56 आप लोग जानकारी होना चाहते हैं, आपके संविधान का भाग अनुभाग 22 आर्टिकल 395 12 अनुसूची हमारे क्यों देती है? हमारे मौका संविधान भारत को संदेश देने के लिए मौका देती है। आज का आपके जानकारी के अनुसार बना देता हूँ 355/56 इमरजेंसी अलर्ट देती है। इमरजेंसी में क्या होता है कि यानी कि जब किसी राज्य में जब सत्ता गिरती है उसका कानून कहाँ सदन में जाती है जिसको संसद कहते हैं, यानी कि 144 लगना राज्यपाल आप फोन करके कहते राष्ट्रपति के इस राज्य में आपका 144 लग चुका है, कृपया राष्ट्रपति अपना कमान संभाले। लेकिन आज तक उसका सदन जो भी झारखंड के कानून बनती है उस सदन के अंदर बताओ 14 सीट में कितना झारखंड के कानून को लोग पेश किए हैं? आज भी संसद महोदय से पूछना चाहते हैं, ऐसा सब बयान होता है। दूसरी बात, हम मीडिया में बहुत दिन से हम लोग बाल करके रखे थे, आज बता देना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय कालीचरण सिंह उपस्थित हुए हैं, वो मेरे गार्जियन पिता तुल्य है, लेकिन हम उसको विचार से लड़ाई कर सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत उससे लड़ाई नहीं है, विचारगत लड़ाई है। उसमें डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जब मीडिया में पूछा जाती थी, हम किसी मीडिया को नाम नहीं लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो जरूरी पर उसको लाइव वीडियो प्रूफ देंगे, हम बिना प्रूफ के साथ किसी के साथ बात नहीं करते हैं। उसमें साफ सुथरा ये चीज है, उसमें यह चीज कहे गए हैं कि अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे माननीय सुनील सिंह जो आए थे वो रेल के पटरी के लेके आए थे, वो तो अपना काम तो नहीं कर पाए, आप अपना क्या मुद्दा लेके आए? उसमें जवाब क्या लिखे पता है, वो रेल के पटरी छोड़िए हम हवाई अड्डा बना देंगे, इतना बुर्बक बना के झारखंड को छात्रा को लूटना चाह रहा है, बताइए वो तो एरोप्लेन अपने पटरी को बोका बनाना चाह रहा है, तू अगर उड़न जहाज एयरपोर्ट खोलेंगे, बताइए क्या सवाल? जितने भी नीति हो स्थानीय नीति हो, लेकिन सरकार फिर भी गांव के लोग कहते हैं कि केंद्र में तो बीजेपी ही बढ़िया है। अरे देखिए सबसे पहले बता दे रहे दादा, आपका कहना सही कि गांव के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं ना वो जानकारी आप लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार बता देते हैं कि आज उसका साबित गिनाएंगे कि कहां कहां गलती की है सेंट्रल पार्टी में। आपके जानकारी के अनुसार बताते हैं जेपीसीए मेरा सिमरिया में हुआ है, हंटरगंज में हुआ है, जबकि विधानसभा मेरा सिमरिया का पड़ता है उसमें भी बीजेपी है, तो यहाँ पे रहा था बीजेपी, बता दीजिए ना कहाँ पे उसका जेपीसी पेपर लीक हुआ है। आज जेपीसी पेपर लीक होने के बाद जब मीडिया घुसती है प्रशासन उसको रोकता है, यार कौन सा देश सुरक्षा में, कौन सा मेरा 18 साल की मेहनत है, 5 साल की मेहनत बाल झड़ने लगता है पढ़ते पढ़ते, उसका नौकरी का डायरेक्ट 1 सेकंड में बर्बाद किया जाता है, उसका जिम्मेवारी कौन है?
बात करते बीजेपी का, हम लोग पढ़े लिखे हम लोग जानते हैं ना कौन कहाँ गलत कर रहा है। आप जिक्र किए सुनील सिंह का, सुनील सिंह दो बार रहे लेकिन इस बार कहा था कि इस बार तो स्थानीय मिला, इस बार तो वोट बीजेपी। जी नहीं, हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह से मुद्दा हुआ है ना तो उसका जवाब भी मेरे पास है, जाइए के एन त्रिपाठी से पूछ लीजिए, उसका जवाब दिए हैं कालीचरण सिंह ने, उसका कालीचरण सिंह का डायरेक्ट के एन त्रिपाठी से अति किए हैं, मतलब एक प्रकार के दोष ही लगाए, क्या लगाए हमको मालूम नहीं। जो मीडिया से संदेश आया के एन त्रिपाठी बोलता है कि कालीचरण सिंह भी स्थानीय निवासी नहीं, उसका सबूत दिया, उसको दिया, हम नहीं बोल रहे हैं, कालीचरण का अतिथि के एन त्रिपाठी का बयान बोल रहा है, उसका मीडिया का कटिंग बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, यदि सच्चाई तो दीजिए जवाब कि खतियानी है कि नहीं, ऐसे काहे पोका बना रहे चतरा के, अगर हम सच्चाई तो पेपर पटक देंगे सलाम घंटी जैसे पेपर टांगने चलेंगे कि हम खतियानी। तो गांवों में जाइएगा तो लोग ये कहते हैं कि सरकार क्या चाहिए जनता को, चावल मिल ही रहा है, पैसा मिल ही रहा है कृषि सम्मान निधि के तहत, तो और क्या चाहिए, देखिए वृद्धा पेंशन बूढ़ों को मिल ही रहा है तो और क्या चाहिए लोगों को। देखिए ना, सबसे पहले हम लोग के गांव में बोका लोला रख, इसको क्या कहा जाता है कि भोला वाला लोग है, उसको पूरा एकदम लॉजिकली नहीं पकड़ पा रहे। अगर मेरे पास रोजगार होगा, मेरे पास आर्थिक रहेगा तो फिर हमको 5 किलो पैसा की क्या जरूरत है, 5 किलो चार क्यों चाहिए, हम लोग उससे 10 किलो चार खरीद के खाएंगे यार, मेरे पास रोजगार दीजिए ना, सही बात, हम क्यों 5 किलो चार खाएंगे, गजब बात बना के रख रहे हैं आप लोग, मजाक बना के रख दिए हैं, हमेशा सदन के भीतर इन लोग बात करते सिर्फ क्या बोलता है, बल फलाना सांसद ने ऐसे कहा था, फलाना सांसद ने ऐसे कहा था, अरे भैया फलना राज्य में क्या करना है, ढकना राज्य में क्या करना है, जिस लोकसभा से आए उसमें क्या करना है, इसका भी चर्चा क्यों नहीं सदन में होता है, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं हम लोग को, हम लोग के 25 साल के युवा हम लोग समझ सके, आप लोग पढ़े लिखे इतना बुआ, एक चीज बता दे रहे हैं कि आप लोग आलू मकई कोहरा करके बेचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा को जो फीलिंग आपके बीच शेयर किया, आप लोग को तय करना वोट कहाँ मारना है। और एक बात और कि जब सब कुछ दे रहे तो बात शौचालय भी मिलता है, लेकिन गाँव में जाइएगा तो पानी ही नहीं है, तो शौचालय की क्या व्यवस्था जरूरी है, सीरियल बात है, शौचालय पानी की नहीं है, अष्टिक बात है, उसमें यह चीज है, सबसे पहले आज बोलते हैं किस केंद्र पर जाते हैं, आज मोदी के चेहरे पर वोट मारते हैं, मानते हैं ससुर के नाम पर दामाद को दे देते हैं, ठीक है चलिए वहाँ तक संतोष है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, देखिए लॉजिकली बात है, ससुर के नाम पर दामाद को दे देते हैं, लेकिन जाके देखिए ना सदन रांची में, उसमें 1925-1985 का कानून बना के बैठा है बीजेपी, क्या बात कर रहे हैं, 1932 का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, 1985 का कानून बना के रखता है, जहां से रघुवर दास का बेटा का जन्म स्थिति होता है, बताइए अपना बेटा सोच रहा है, झारखंड के बेटा तबला ठोको, गजब बता रखे हैं सब लोग, जितने भी प्रत्याशी आए हैं, जितने को आए हैं, हम लोग उसका व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, चाहे व्यक्तिगत हमारा नहीं, पिता तुल्य है, गार्जियन स्वरूप है, उसको हम सादर आमंत्रित करते हैं, लेकिन विचार से लड़ाई होगी, एक तरफ अनपढ़ होगा, एक तरफ शिक्षा होगा, जाइए टक्कर तो होगी, बेहतरीन होगी, आज हम लोग अंडा है, अंडा के रूप से हम मुर्गों को सिखा रहे हैं कि कम से कम एक बार ध्यान दीजिए। जेबी केसेस की बात करते हैं, जेबी केसेस की अभी गांवों में जाइएगा किसी पूछिएगा तो जेबी केसेस की उतना पकड़ नहीं है अभी तक, देखिए सत्ता भी नहीं है कि झारखंड ये झारखंड भाषा, देखिए क्या चीज है, सबसे पहला स्थान यहाँ के जेबी केसेस का जानकारी इसलिए नहीं है कि जितने भी मीडिया प्रभारी है आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में कोई भी मीडिया प्रभारी उतरे हैं सोशल मीडिया के सिवा, अगर क्या घटना हो रही है, अगर यूट्यूबर नहीं होता है क्या सोचता है किसको मीडिया प्रभारी की ताकत है, आप बता रहे सोशल मीडिया को, झारखंड में सोशल मीडिया बड़े मीडिया तो पकड़ ही पा रहे हैं, नहीं सिर्फ सोशल मीडिया के ही जरिए ने गांव तक पहुंची है। देखिए सबसे पहला स्थान है यहाँ पे जो भी बात अगर मीडिया के दौरान बात होती है, आज हमारी बड़े बड़े मीडिया हिंदू धर्म करके लगी हुई है, हिंदू मुसलमान में लगी हुई है, या स्थानीय मुद्दा को कभी नहीं जिक्र किया जा रहा है, क्यों पता है, क्योंकि जब हम बड़े बड़े मुद्दा को शो करेंगे नीचे का मुद्दा दब जाएगा, लेकिन जानकारी के अनुसार बता देना चाहता हूँ कि अगर गांव गांव तक अगर जेबी केसेस पहुंचेगी तो हम ही में से युवा में से एक एक व्यक्ति जाएंगे, और जो हम लोग समिति ग्राम सभा कहावत सुने ना, ग्राम सभा ना सबसे बड़ा विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से तय करेंगे कि जेबी केसेस क्या है। बिजली दादा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, और खास करके अभी भी बोलना चाहता हूँ सोशल मीडिया के जरिए हमारा किसी का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमको विचार के विचारगत लड़ाई।